Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the blessed name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. 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 The Lamb is worthy. The Lamb is glorious. The Lamb is exalted. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we thank you. Thank you, Lord. Lord, we come into your holy presence to exalt you, to worship you, Lord, to express our gratitude and our appreciation, Lord. Thank you for your hand upon us. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, for keeping us under the shadow of your mighty wings. Thank you, Lord, for delivering us from captivity. Satan wanted to take us into captivity. But, Lord, you deliver us from the captivity of the enemy. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Thank you for surrounding us with your love. Thank you for surrounding us with your kindness and with your joy, Lord. Thank you for surrounding us with your mercy. We bless you, Lord. We bless, 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 bless you, bless you. Bless you, 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 Lord. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Titha ho. निर्गमन की पुस्तक तेईस अध्याय के पच्चीस वचन में तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से सब रोग दूर करेगा हाल एक्सडस ट्वेंटी थ्री एंड 25 नंबर ट्वेंटी फाइव thy द with all your योर हार्ट all योर सोल

तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद 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 परमेश्वर के इस प्रॉमिस को लिखें भा, भाई और बहनों अपने नोटबुक में निर्गमन एक्सडस 23 25 लुक एट व्हाट अ प्रॉमिस उपासना करना वर्शिप करना निरंतर परमेश्वर की आराधना और उपासना में निरंतर लगे रहना प्रतिदिन हाल अलग अलग स्पेल निकालना समय के ताकि यहोवा की हजूरी में जाके उसकी स्तुति करना प्रशंसा करना आराधना करना उसने उसके नाम को ऊंचा करना तो प्रभु यहोवा कहता है मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा भाई और बहनों अन्न और जल ये दोनों चीजें श्रापित हैं प्रभु यहोवा ने जब आदम को अदन के बाग से निकाला तो प्रभु यहोवा एडम के ऊपर प्लेस नहीं किया वचन ध्यान से पढ़े प्रभु ने कहा आदम तेरे पाप के कारण पृथ्वी श्रापित हुई अब पृथ्वी श्रापित श्राप की अवस्था में तेरे लिए सब कुछ उत्पन्न करेगी ऊंट कटार भी पैदा हुए इसलिए पृथ्वी से जो कुछ निकलता है जब हम खाना खाते हैं ब्रेड को हाथ में लेके प्रभु का शुक्रगुजारी करते हैं और सेंक्टिफाई करती है शुक्रगुजारी वो खाने के ऊपर जो कर्ज है उसे तोड़ती है तो प्रभु यहोवा क्या कहता है निर्गमन तेईस अध्याय के पच्चीस वचन में जब तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा भाई और बहनों लोगों को परमेश्वर की उपासना करना सीखना है आराधना आपको आराधक बनना है वर्ष पर बनना है हाँ ले आत्मा और सच्चाई में सुनिए ध्यान से आराधना दो चीजें अगर एस्टैब्लिश होंगी तब आप आराधना करने पाएंगे सबसे पहली चीज तो आपको यह एस्टैब्लिश करनी है स्पिरिट आत्मा तो आपका नया जन्म होना जरूरी है आपको पवित्र आत्मा से जन्म लेना जरूरी है यदि आप पवित्र आत्मा से जन्म लेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी उस आत्मा को जो मर गई जो परमेश्वर से अलग होगी आदम के पाप के कारण उसे नया जीवन देगा और आपकी स्पिरिट में जो रिक्रिएटेड स्पिरिट है उसके अंदर पवित्र आत्मा आके वास करेगा Hallelujah! तो आप क्योंकि परमेश्वर आत्मा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौथे अध्याय यहुन्ना रचित समाचार में यीशु मसीह कहते हैं गॉड इज ए स्पिरिट परमेश्वर आत्मा है तो आत्मा के संग आपको कनेक्ट करने के लिए उसी के आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना पड़ेगा तो एक डायमेंशन पूरी हो गई यू हैव टू बी बॉर्न फ्रॉम अ यू आर बोर्न फ्रॉम बिलो बट नाउ यू हैव टू बी बॉर्न फ्रॉम अ द स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड एंड द वर्ल्ड विच इज द स्पर्मा आई टोल्ड यू जॉन सेज ही दैट इज बॉर्न ऑफ द बॉर्न ऑफ गॉड सिन बिकॉज द सीड ऑफ गॉड अ बाइट इन हेम इफ यू रिमेंबर अर्ली मॉर्निंग आई वॉज टेलिंग यू दर्ल्ड That John employs is spermatozoa or sperma, which means the seed, just like the seed of a father penetrated the womb of a mother and we were born. Similarly, the seed of God. The seed of God is the word of God, the living word when God unleashes it makes the womb pregnant and we are born again. We are born by the seed. The Word and by the water of the Holy Ghost. There are two agents that are required to cause the new creation. So, when you are newly created, you are born from above. One dimension is established, the Spirit dimension. Jesus said, You must worship God in spirit and in truth. Atma me ki aradhana karna hai, aur me. dusri dimension hai. सच्चाई क्या है द ट्रूथ ग्रीक वर्ड इज इमेथ ग्रीक वर्ड इज एल्थिया और हिब्रू वर्ड है इमेथ वट इज दूथ सच्चाई क्या है अब आग अब अगर फिर दोबारा उसी बात पे जाएं यहोवा परमेश्वर ने मोजेस को दो टैबलेट दी यहोवा परमेश्वर अगर चाहते तो मोजेस को एक ही स्टोन की टैबलेट पे टेन कमेंडमेंट्स लिख के दे सकते थे बट गॉड चोज टू टैबलेट्स

That brought thee out of the land of slavery, out of the land of Egypt. Then thou shalt have no other god before me because I am the Lord your God, a jealous God. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. And then the fourth commandment is keep the Sabbath holy. And then the fifth commandment is honor thy father and mother. Yjo first tablet Jehovah wo Lekin Yehova tablet me subse nice matur pitako अर्थात माता और पिता का सम्मान अति आवश्यक है माता और पिता की सेवा करना आदर करना आत्मा की कैटेगरी में आता है स्पिरिट कैटेगरी में जस्ट बिलो गॉड और आपको मालूम हिब्रू जो वर्ड है ऑनर फादर एंड मदर द हिब्रू वर्ड फॉर ऑनर मीन्स सो मनी इन टू योर फादर एंड मदर सर्विस दे गेव यू बर्थ दे रेज यू अप दे गेव यू एजुकेशन

यदि मैं सच्चा हूं आप लोगों के प्रति तो हमारा कनेक्शन होगा यदि हम दोनों के रिलेशनशिप में आप जितने लोग हो यदि हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप में कहीं झूठ आएगा आपको लगेगा पास्टर जी झूठ बोल रहे हैं या मुझे लगेगा आपने झूठ बोला है तो क्या होगा उसी समय हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा मेरा मेरी पत्नी के संग कवनेंट है वाचा है लेकिन यदि मैं कोई ऐसा दुष्ट काम करूंगा अपनी पति पत्नी के अलावा कहीं बाहर तो मैं ट्रूथ में कायम नहीं सत्य में कायम नहीं और वो कवनेंट टूट जाएगा तो ह्यूमन रिलेशनशिप सत्य के द्वारा बनते हैं ट्रूथ से सच्चाई से यहोवा से रिश्ता आत्मा में बनता है तो दोनों एलिमेंट चाहिए स्पिरिट एंड ट्रूथ अब देखें बहुत सारे मसीह लोग आत्मा की डिमेंशन तो इस्टेब्लिश कर लेते हैं वो नया जन्म पा लेते हैं पवित्र आत्मा से भर जाते हैं अन्य भाषा को बार राशा खाता बहुत बोलते हैं लेकिन उनके अंदर सच्चाई नहीं होती सच्चाई ना होने की वजह से आराधना नहीं पहुंचती यहोवा तक यहोवा पिता तक आराधना तब आपकी असेंड करेगी अगर दोनों डिमेंशन आपकी कायम है स्पिरिट एंड ट्रूथ आत्मा और सच्चाई आपको मालूम परमेश्वर ने प्रेरित पलूसियों की पत्री में लिखता है परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं ये स्पिरिचुअल वेपन है ये रियल है। मेरे सर के ऊपर उद्धार का टोप है धार्मिकता की झिलम है मेरे पाओं के अंदर मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते हैं और कौन सा हथियार एक बड़ा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कसना अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो रोमन सोल्जर के पूरे वेस्चर हैं ये आर्मरी है जो रोमी सिपाही है उसकी जो पूरी पोशाक है लड़ाई की वो दिखाई गई है टोपा है सर के ऊपर हेलमेट ऑफ सालवेशन द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस पूरी झिलम है आगे और ये जो झिलम है राइचसनेस की ये क्राइस्ट की राइचियसनेस है और इसकी बैक पीछे से खाली होती है बैक की कोई प्रोटेक्शन नहीं है यदि एक फौजी लड़ाई के मैदान में जाएगा और अपनी पीठ दिखा के भागेगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि उसके फ्रंट की प्रोटेक्शन है बैक की प्रोटेक्शन नहीं है तो प्रभु का वचन क्या कहता है <coughs> प्रभु का वचन कहता है ब्रानियों की पत्री में इफ एनी वन विल टर्न अवे फ्रॉम द लॉर्ड द लॉर्ड विल नॉट बी प्लीज विद हिम बट वी आर नॉट दोज हु टर्न अवे बट राधा वी आर दोज हु मूव फॉरवर्ड एंड क्लिंग टू अ लॉर्ड एंड इनहेरिट साल हाल तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोमन सोल्जर के आ, वेपन्स हैं गार्मेंट्स हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कमर कसा हिंदी में कमर कसा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखा बेल्ट ऑफ ट्रूथ ग्रीक वर्ड है एल्थिया जो हमारा ऊपर का शरीर के वस्त्र हैं जैसे धार्मिकता की झिलम है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है और जो नीचे हमने टांगों के ऊपर और शूज पहने हुए इन सब को कनेक्ट करती है बेल्ट ऑफ ट्रूथ अगर बेल्ट ऑफ ट्रूथ नहीं है तो सारे के सारे गारमेंट नीचे गिर जाएंगे जितने हथियार हैं वो कोई काम नहीं करेंगे दे विल ऑल फॉल डाउन बेल्ट ऑफ ट्रूथ कमर के साथ सबको नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से को बांध के रखती है सी हाउ इंपॉर्टेंट ट्रूथ इज मसीहों के रिलेशनशिप में सच्चाई नहीं है इसलिए आपकी आराधना मुकम्मल नहीं होती स्पिरिट डिमेंशन आप पूरी कर लेते हो लेकिन ट्रूथ की डिमेंशन आप पूरी नहीं कर पाते तो भाई और बहनों हमें सत्य में चलना है धोखा नहीं देना है एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना है झूठी गवाही नहीं देना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है आपको प्रॉमिस कीपर बनना है प्रॉमिस पूरा करना है अगर आपने प्रॉमिस किया है एक दूसरे के साथ परमेश्वर के संग तो करना ही है एक दूसरे के साथ भी प्रॉमिस कीपर बनना है ताकि आप अपने मुंह के शब्दों का आदर करें बहुत सारे लोग अपने मुंह से कहते हैं लेकिन वो करते नहीं उस काम को अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं तो वो दे डोंट मीन वट दे से तो फिर उसी मुंह से वो जाके बीमारी को डांटना चाहते हैं बीमारी के पीछे बदरू है वो बदरू हंसती है वो बदरू कहती है तो यू डोंट मीन योर वर्ड्स, यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ योर वर्ल्ड तो प्रॉमिस कीपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पे कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करे निर्गमन 23 25 <clears throat> अगर तू सच्ची उपासना करे स्पिरिट डिमेंशन में मुकम्मल होके और ट्रूथ की डिमेंशन में मुकम्मल होके इफ यू वर्शिप योर लॉर्ड एक्सोडस 23 25 इफ यू वर्शिप योर लॉर्ड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ देन वट गॉड विल डू ही विल ब्लेस योर वॉटर एंड योर ब्रेड वट एवर यू विल ईट इट विल नॉट कॉज एनी सिकनेस इन योर बॉडी जब परमेश्वर तेरे अन्न और जल पर बरकत देगा तो जो तू खाएगा वो तेरे शरीर में अच्छे न्यूट्रियट पैदा करेगा तू बीमार नहीं होगा कमजोर नहीं होगा मांदा नहीं होगा तेरा खाना और तेरा पानी तेरे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा नहीं करेगा क्योंकि यहोवा ने तेरे अन्न और जल को ब्लेस कर दिया है तो तू फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली बिल्कुल नर्चर रहेगा हाल लुहिया यह परमेश्वर तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और सारे रोग तेरे डेरों में से दूर भगा डालेगा हाल तो भाई और बहनों वर्शिप कुंजी है लेकिन आराधना आधी नहीं हो कि कई लोग कहते हैं जी हमने मनुष्यों से क्या लेना है प्रभु से होना चाहिए यह बिल्कुल आपकी गलत थियोलॉजी है पता नहीं कहां से सीख लिया आपने वचन पढ़ें लू का रचिस्व समाचार दो अध्याय का फिफ्टी सेकेंड वर्ड्स आखिरी वचन वहां लिखा यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया और डील डॉल में बढ़ता गया और यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया इवन गॉड इन ह्यूमन बॉडी नीडेड फेवर फ्रॉम मैन हाले लु यो डोंट बी अ अपोक्रेट पर्सन यू नीड टू वॉक इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ बोथ द डिमेंशन मस्ट बी एट देयर प्लेस हाल लु ये थैंक यू जीसस एक और वचन पढ़ें निर्गमन पंद्रह का छब्बीस एक्सडस फिफ्टीन एंड वर्स नंबर ट्वेंटी सिक्स निर्गमन की पुस्तक पंद्रह अध्याय छब्बीस वचन सुनिए प्रभु क्या कहता है एक्सडस फिफ्टीन एंड वर्स नंबर ट्वेंटी सिक्स सुने एंड सेड इफ दाउल डिलीजेंटली हरकन द वॉइस ऑफ द लोड दॉड अगर तू डिलीजेंटली सुननी है प्रभु की आवाज समझ रहे हैं आप लोग परमेश्वर के वचन को डिलीजेंटली परमेश्वर के वचन को खोजते नहीं है परमेश्वर के वचन के पीछे भागते नहीं है परमेश्वर की वचन की ऐसे तलाश नहीं करते और परमेश्वर के वचन को पाके ऐसे खुश नहीं होते जैसे कई महीनों के भूखे को रोटी मिल गई हो कोई व्यक्ति रेगिस्तान तपते रेगिस्तान से आया हो और मरने वाला हो और उसे पीने के लिए पानी मिल जाए ये है परमेश्वर का वचन इफ दाओ विल डेलीजेंटली हरकन टू द वॉइस ऑफ द लोड गॉड अपने प्रभु की आवाज को चित लगा के चौकसी से सुने एंड विल डू विच इज राइट इन ए साइट और वो करे जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में सही है एंड विल्ट गिव टू हिज कमेंडमेंट और उसकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में जीवन है यह मत कहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं खत्म यह शैतानी टीचिंग है हाइपरग्रेस थियोलॉजी परमेश्वर की आज्ञाओं में ही जीवन है और लिखा है गिव ईयर टू हिज कमांडमेंट उसकी आज्ञाओं की और कान लगाए एंड कीप हिज स्टैच्यूज ये अलग अलग वचन हैं मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है उसके अंदर मैंने ये अलग अलग वर्ड की डिटेल दी है स्टैच्यू इमरा मिसबा कमेंडमेंट इनका क्या मीनिंग है हिब्रू में वो आई 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 यू नो देर इज अ वीडियो इन साम 119 यू विल फाइंड इन हिब्रू दीज आर वेरी वेरी यूनिक डिस्टिंक्ट वर्ड्स देर इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर कमेंडमेंट मिसबा एंड देर इज अनदर वर्ड इमरा फॉर स्टैच्यूज फॉर डिक्रीज फॉर ऑर्डिनेंसेज फॉर For for the ways there are different eight unique words that the psalmist has employed in Psalm hundred and nineteen and they carry a very, very profound and deep meaning. So the Lord says, Exodus fifteen twenty-six Listen, listen again. If thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God, you must hear the voice of the Lord your God. And thou wilt do which is right in his sight. You do what is right in the sight of the Lord, not what deems right to you, not what you think is right, but what the Lord thinks is right. And wilt give ear to his commandment, Mizwa. If you will give your ear to the commandment of the Lord and keep his statues, his Imras, you will keep his statues. I will put none of the diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healed thee. This covenant is conditional. You have to do your part, then God will do his part. If you will not keep your end of the bargain, you cannot make God obliged to keep his end of the bargain. You have to hear his voice. You have to be submissive and attentive and you have to do when you hear his bidding you hasten to do what the lord commands you give your persistent ear to the commandment keep his statutes do what is right in the sight of the lord not what is right in your sight or what you perceive is correct then the lord says i will put none of these diseases which i put upon the egyptians it is the lord god who smote who smote the Egyptians with ten devastating plagues, and such a mighty empire buckled on the knees. You know why God did it? God of Israel did it because Pharaoh, the great king, defied him. Three times he said unto Moses, Who is Yahweh? I don't know him. Who is this Yahweh? The strange God of the Hebrews. You know why Pharaoh ridiculed Moses? Why all the previous pharaohs were, you know, keeping the children of Israel in bondage and making a mockery of them, and they were also making a mockery of their God. You know the reason? The reason was pharaohs and all the chief officials of Pharaoh, they thought these Hebrews, they call upon the name of a strange God, and they do not follow over multiple gods, but we are the ones who are feeding them. We are the ones who, who are treating them as slaves. And they are worshipping a strange God. That God has no power. That God has no strength. That God doesn't even hear them. Does that God really exist? So they were making mockery of their God. Because they were saying, Who is your God? We are keeping you in bondage and in slavery. For nearly 400 years, you are under a servitude and you still talk about Yahweh, a strange God. And he mocked at the majestic name of the Almighty. And you know, then God decided He will tell him who He is. And God told Pharaoh and his chosen army, right in the middle of the Red Sea, who He was. He hurled them down in the depth of the ocean. And He decimated him and his army. Do not defy God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. आपको मेरी आवाज आ रही है मुझे मैसेज आ रहा है रिंकल गाबा कथूरिया जी का दैट देर इज नो वॉइस आवाज आ रही है मुझे प्लीज मैसेज कीजिए कैन यू हेयर मी ओके हाल लुइया लुइया तो प्रभु क्या कहता है भाई और बहनों सुने ध्यान से प्रभु कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा अगर तू वो करेगा जो मेरी दृष्टि में सही है अगर तू कान देगा मेरी कमेनमेंट को मिसबा को और मेरे स्टैच्यूज के अनुसार चलेगा तो मैं ये डिजीजेस नहीं लाऊंगा तो कौन लाता है बीमारियां कौन परमिट कर रहा है यहोवा परमिट कर रहा है ये सिकनेसेस यहोवा कहता है मैंने मिस्रियों के ऊपर लाया मैं तेरे ऊपर नहीं लाऊंगा हालीलू तो मैंने पहली बात बताई आपको उपासना सच्ची आराधना आपका जीवन सही होना चाहिए स्पिरिट में और ट्रूथ में दोनों में आपको इस्टेब्लिश होना है और यह की उपासना करनी तब यह आपके अन्य जल पर बरकत देगा और आपके डेरों से सब बीमारियां निकाल देगा एक्स्ट्रा निर्गमन तेईस का पच्चीस फिर मैंने आपको वचन दिया निर्गमन पंद्रह का छब्बीस निर्गमन पंद्रह का छब्बीस में एक अद्भुत शर्त है परमेश्वर जो कहता तुम मेरी बात मानो <laughs> बहुत सारे लोग यू you नो know, जो अमेरिकन थियोलॉजी है इसने कलाम को बड़ा ट्विस्ट किया है मैं आपको बताना चाहता हूं यह परमेश्वर का सॉवरेन हैंड है यह दोनों आयतों में परमेश्वर बता रहा मैं ये चीजें तेरे ऊपर भेजता हूं क्योंकि तू मेरी आज्ञा में नहीं चलता अगर आप पढ़ेंगे <clears throat> मीका नबी की पुस्तक मीका माइका चैप्टर नंबर सिक्स वर्स नंबर थर्टीन मीका नबी छे अध्याय के तेरह वचन में सुनिए प्रभु यह क्या कहता है प्रभु यह कहता है मैं तेरे पापों के कारण तुझे घायल करता हूं और तुझे उजाड़ डालता हूं कौन यह काम करता है यह परमेश्वर मीका नबी की पुस्तक जोना माइका नेहूम अबक्कुक यहां मिलेगी आपको इजिकल के बाद जाएंगे तो आप ढूंढिए ढूंढिएिजिकियल डैनियल के बाद हालेलुया मीका नबी की पुस्तक निकालें होशे जोएल उसके बाद आप एमस एमस के बाद ओबदाया ओबदाया के बाद जोना जोना के बाद माइका मीका जिसे हम बोलते हैं मीका नबी छे अध्याय उसका तेरह वचन मीका छे के तेरह में सुने क्या लिखा देअर फॉर ऑल्सो आई विल मेक सिक इन स्माइटिंग दी इन मेकिंग डेसोलेट बिकॉज ऑफ द आइसिन देर फॉर आई विल ऑल्सो मेक सिक इन स्माइटिंग दी इन मेकिंग द डेसोलेट बिकॉज ऑफ द आइसिन मैं तुझे रोगों से घायल करता हूँ और उजाड़ डालता हूं तेरे पापों के कारण हालेलुया हालेलुया पढ़ें साम थर्टी एट जबूर एक्सक्यूज मी थर्टी एट जबूर में चलिए साम थर्टी एट और वर्स नंबर थ्री पढ़ें थर्टी एट साम जबूर भजन 38 और उसका हम पढ़ेंगे वचन नंबर तीन 38 एट एंड वर्स नंबर थ्री सुने क्या लिखा राजा दाऊद क्या कहता है देयर इज नो साउंडनेस इन माई फ्लैश बिकॉज ऑफ दाइन एंगर तेरे क्रोध के कारण मेरा जो मांस है वो रोग से जकड़ा हुआ है स्वस्थ नहीं है मेरे अंदर हेल्थ नहीं है तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में हेल्थ नहीं है स्वस्थ नहीं है नीदर इज देयर एनी रेस्ट इन माई बोन्स बिकॉज ऑफ माई सिन मेरे पापों के कारण मेरी हड्डियों में चैन नहीं है आपको मालूम आपकी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है बोन मैरो के अंदर मैंने आपको बताया कलाम वस्ता है ये होगा का कलाम जब आता है तो आपकी बोन मैरो के अंदर सेटल हो जाता है लेकिन जब आप पाप करते हो तो कलाम वहां से निकल जाता है और आपकी बोन मैरो के अंदर बेचैनी आ जाती है हड्डियों के अंदर बेचैनी हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो है उसके अंदर बेचैनी है राजा दाऊद कहता है पाप की वजह से बिकॉज ऑफ सिन और मेरी हेल्थ नहीं है मेरे फ्लैश में तंदुरुस्ती नहीं है क्योंकि तू क्रोधित है मुझसे यहोवा तू मुझसे क्रोधित है <coughs> यहोवा क्रोधित क्यों है मेरे पाप और मेरी बदकारी के कारण हाल सपन्या नबी जपनाया उसका एक अध्याय का सत्रह वचन पढ़े एक्सक्यूज मी जपनाया सपन्या एक का सत्रह। क्या कहता प्रभु प्रभु सपन्या एक सत्रह में कहता है आई विल ब्रिंग डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ देयर सिंह मैं सताओ और दुख और मुसीबतें लेकर आऊंगा उनके पाप के कारण सपन्या एक सत्रह में लिखा है हाल सपन्न्या सपन्या एक सत्रह भी प्रिंट कर दें, ब्रदर रॉबी <coughs> एक सत्रह हाली लुइया आई विल ब्रिंग डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दियर सिंह पापों और अपराधों के कारण मैं डिस्ट्रेस लेकर आऊंगा हाली और मैं एक वचन आपको देना चाहता हूं होशे नबी की पुस्तक होशे नबी की पुस्तक उसका सात अध्याय का पहला वचन होजेया चैप्टर नंबर सेवन वर्स नंबर वन प्रभु यहोवा क्या कहता है प्रभु यहोवा कहता है, जब मैं इसराइल को चंगा करता हूं तब इफ़्राइम का अधर्म और शमरोन की बुराई प्रकट हो जाती है प्रभु यहोवा बता रहा है दो हिस्सों के अंदर इसराइल का राज्य बट गया है एक इसराइल है दूसरा यहूदा है जिसका नाम इफ्राइम भी डल गया है प्रभु कहता है मैं एक को चंगा करता हूँ तो दूसरा अधर्म करता है दूसरा बगावत करता है दूसरी जो राष्ट्र है जो दूसरा हिस्सा है सदरन किंगडम वो बलवा कर देते हैं एक की बदी मैं मिटाता हूं और उन्हें चंगा करता हूं लेकिन दूसरे बदी और बदकारी करके लानतों को अपने ऊपर ले आते हैं हाल लू एक सौ सात नंबर भजन जबूर एक सौ सात भजन साहिता एक सौ सात का सत्रह वचन <coughs> यहां पे क्या लिखा है फूल्स बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ देयर इनिक्विटी आर अफ्लिक्टेड मूर्ख लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं बलवा करते हैं जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर की वाचा परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध बलवा करते हैं बगावत करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो प्रभु का दास भजन लिखने वाला क्या कहता है अपने पापों और इन्हीं कुटी के कारण उनके ऊपर सजाएं आती हैं <स्थाथियों> बहुत सारे मसीहों का ये हाल है उनके जीवन पे सजाएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते वो परमेश्वर की वाचा के अनुसार जीवन बसर नहीं करते वो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते परमेश्वर की विधियाँ परमेश्वर की बातें उनके चित्त में नहीं चढ़ी उनके हृदय में परमेश्वर का कलाम वास नहीं करता है और वो वो काम करते हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं इसलिए शतान उन्हें अफ्लिक्ट करता है उनके जीवन में दुख मुसीबतें रोग बीमारियां और लानतें आती हैं सुन रहे हैं आप इजिकियल नबी की पुस्तक चार अध्याय का सत्रह वचन इजिकियल चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर सेवनटीन यहां पे क्या कहता है नबी और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और सब सबके सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे इंग्लिश में लिखा है दे शैल बी कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ देर इनिक्विटी इसराइल के घराने ने जो पाप किया है जो अधर्म किया है वो परमेश्वर के नबी उन्हें बताते हैं कि अपना अधर्म छोड़ो अपनी बदकारी छोड़ो अपने बुरे मार्गों से पलटो लेकिन वो पलटते नहीं क्योंकि वो झूठे नबियों की बातें सुनते हैं झूठे नबी उनको प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बरकत देने जा रहा है बड़ा अमीन बड़ी बरकत आने जा रही है परमेश्वर तुम्हें रियल एस्टेट देने जा रहा है परमेश्वर एक और बंगलो एक और गाड़ी देने जा रहा है अपने हाथ उठाओ रिसीव करो रिसीव करो और वो क्रेजी लोगों की तरह के बोलते हैं पापा आई रिसीव डैड आई रिसीव पापा आई रिसीव आई रिसीव और जिस तरह वो रिसीव रिसीव बोलते हैं ना वो दिखाता है कि कितने लालची और लोभी हैं संसारी चीज़ों के और कितने बड़े जादूगर हैं वो पादरी लोग जो पाप में डूबे हुए लोगों के ऊपर बरकतें खोलते हैं पाप में डूबे लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने की परमेश्वर के सन्मुख तौबा करते हुए राख सर में डाल के टाट ओढ़ के यहोवा के आगे घुटने टेक के पश्चाताप करने का आह्वान करना चाहिए चिल्ला चिल्ला के ये प्रचार करना चाहिए यह नहीं कि बरकत आने जा रही है बैंक अकाउंटों में पैसा आने जा रहा है अब के मोबाइल फोनों के अंदर पैसा आने ऐसी झूठी नबूतें घटते हैं ये झूठे नबी लोग परमेश्वर का देखिए मैंने सच्चा कलाम आपको बता रहा हूं बाइबल में से एक एक आयत आपको दे रहा हूं इब्रानी में उनका मतलब बता रहा हूँ इब... यूनानी में उनका मतलब बता रहा हूँ लेटर में उनका मतलब बता रहा हूँ हिस्ट्री बता रहा हूँ कलाम की अर्ली चर्च फादर क्या बिलीव करते थे वो बता रहा हूँ आर्क्योलॉजिकल हिस्टोरिकल साइंटिफिक क्लिनिकल मेडिकल सभी चीज़ों से संपूर्ण कलाम को पेश कर रहा हूँ आपके आगे लेकिन अगर मैं अभी बरकतों देने की शॉप खोल लूं तो देखिए कितने लोग जुड़ जाएंगे हुँ? अगर मैं प्रचार करूं कि क्रूस उठाओ अगर मैं प्रचार करूं कि तंग मार्ग से प्रवेश करो अगर मैं प्रचार करूं कि शरीर की गंदी वासना आंखों की गंदी अभिलाषा और जो लुच्च पुने के गंदे काम तुम करते हो वो काटे जाएंगे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तुम्हें अगर मैं कलाम दूं कि जगवेदी पे आपके शरीर को होमबली करके चढ़ाया जाएगा और आपको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा क्रूस को उठा के तंग पथ से चलना पड़ेगा दुख भोग के स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना पड़ेगा तो कोई भी नहीं आएगा इसके बायर नहीं है अगर बरकतों की अभी दुकान खोलूं तो देखो कितने बायर हैं रैंडम ब्लेसिंग दे रहे हैं रैंडम अक्टूबर में यह होने जा रहा है नवंबर में वो होने जा रहा है पिछले साल ये झूठे नबी इनकी फेसबुक ट्विटर अकाउंट पे जाके देखें ये झूठी नबूतें कर रहे थे दिसंबर 2019 में कि 2020 में ये होने जा रहा है 2020, 2020 परफेक्ट विजन 2020 ट्वेंटी ईयर ऑफ सुपर ब्लेसिंग 2020 ट्वेंटी ईयर ऑफ सुपर डुपर ब्लेसिंग 2020 ट्वेंटी ईयर ऑफ ग्रेट ब्रेक थ्रू ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर ऑफ रियलाइजिंग योर ड्रीम ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर ऑफ क्रॉसिंग ओवर ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर ऑफ बाबला ब्लाबला ब्लाबला यहोवा ने इन झूठे नबियों की एक बात नहीं सुनी आपको मालूम अमेरिका में बड़े पादरियों ने जब कोरोना आया मार्च में डिग्रियाँ पास की वहां पे बड़े बड़े पादरी हैं वो अमेरिका के मैं नाम नहीं लेना चाहता कोरोना के विरुद्ध में डिक्री पास की यहोवा ने इन झूठे नबियों की एक नहीं सुनी अफ्रीका में झूठे नबियों ने कोरोना को मारा कोरोना नहीं मरा इंडिया में तो जूतियाँ मारी गई उन्हें जूतियाँ उनके ही पड़ गई भाई और बहनों बाइबल में या तो झूठा नबी होता है या सच्चा नबी होता है बाइबल में करेक्ट और इनकरेक्ट नबी नहीं होता ये जो हमारे इंडिया में ना कई पंजाब में खास करके इनके जो पापा डैडी बैठे हैं उधर उनमें से एक ने कहा होली स्पिरिट मिसलेड मी उसने झूठी भविष्यवाणी कर दी और बाद में दोष होली स्पिरिट पे लगा दिया होली स्पिरिट नहीं वो तेरी अपनी गंदी स्पिरिट थी तेरी अपनी डिल्यूटेड ह्यूमन स्पिरिट जिसने फॉल्स प्रोफेसी की <clears throat> खोलें सच्चा कलाम ढूंढें सच्चे कलाम को अपना जीवन बदल लें हाल आइए हम प्रार्थना करें खुदावन हम प्रार्थना करते हैं तेरा सच्चा कलाम लोगों के दिलों में अस्टाब्लिश हो झूठ से इन्हें एलर्जी हो खुदावन आप में से कई लोग ना पादरियों की पूजा करते हो यहोवा के कलाम को नहीं कुछ वो देते सम्मान पादरियों की पूजा पादरियों का सम्मान आपके लिए ज्यादा है परमेश्वर के सम्मान से यही हाली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है तो हम प्रार्थना करें हाली लुइया खुदावंद हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावंद हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं हाली तेरे नाम की हमद करते हैं तेरे नाम की मदसराई करते हैं तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन तेरा नाम ऊंचा हो हाल लू या यीशु मसीह हम तेरे चेले हैं हम तेरे फॉलोअर हैं इंसानों के फैन नहीं हैं खुदावन हाल सबको मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज बताइए अगर आवाज आ रही है तो हम प्रार्थना करें हम्म अभी आवाज आ रही है या नहीं आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यस यस आ तो आइए हम प्रार्थना करें वनीता चोपड़ा जी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी है ऑस्ट्रेलिया में कोई सिख हैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करें परमेश्वर की मर्जी पूरी हो हालिया खुदावंद हम ऑस्ट्रेलिया में उस कुलवीर सिंह शायद उनका नाम तेरे हजूर में उन्हें उठाते हैं खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा की कुदरत उतरे तेरे पवित्र आत्मा का साया उतरे खुदावंद तू अद्भुत काम करने की कुदरत रखता है खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के छू खुदावन तेरे लहू को हम मिलके छिड़कते हैं उनके ऊपर <laughs> खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र कौर के लिए तेरी आशीष तेरी इस दासी के ऊपर हो इसका पति जो खुदावन तुझे नहीं जानता प्रार्थना करते हैं तेरा खून छिड़कते हैं और खुदावन मिसेज सबरवाल ग्रोवर के लिए डेली से उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं तेरा खून उसके जीवन पे लगाते हैं खुदावन हालेलुया, खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में महेश कुमार के लिए टेली में तेरा आत्मा उसे छुए कक्कड़ एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं तू तो अपने आप को उन पर प्रकट कर खुदावंद खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में पूजा बिष्ट के लिए खुदावंद वर्मास के लिए खुदावंद उन्हें तेरे लहू में छिपाते हैं सिल्वा राज को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन जी तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम जला जलाल पाए खुदावन वो जो मिस्टर सेक्शन ऑफिसर हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अंदर से तेरे वचन को जानने के लिए भूखा है तेरी आशीष जीत मसीह को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन हम राहुल के लिए विश्वास संधु के लिए दुआ मांगते हैं उसकी किडनियों को छू और उसे चंगा कर खुदावन हाल ही खुदावन पास्टर चंद्र मोहन के ऊपर तेरी आशीष और इसकी सेवकाई पे तेरी आशीष खोलते हैं दर्शन सिंह के परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं बहादुर सिंह आकाश को तेरे खून में छिपाते हैं तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन विनीता चोपड़ा और हितेश चोपड़ा को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन ऑस्ट्रेलिया में तेरा अद्भुत काम हो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में लाई जाए खुदावन इंडियन डयासपोरा जो वहाँ पे है तेरा काम हो उनके अंदर खुदा कई बार तू खुदावन अपने देश से दूर ले जाता है ताकि तूने बचाए अपने चरणों में लाए खुदावन तो ऐसा काम कर उनके जीवन में हम खुदावंद चोपड़ास के लिए इनके ख़ानदान के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके रिलेटिव्स फैमिली मेंबर तुझे जाने तेरे चरणों में आए खुदावंद और इनकी सेवकाई को तू दिशा देना तू खुदावन इन्हें बताना अपनी बातें सिखाना तू डायरेक्शन देना तू अपने एजेंडाज़ देना इन्हें खुदावन। मलकियत गिल को इनके खानदान को मिस्टर सहोता को उनके खानदान को तेरे लोह में छिपाते हैं लोर आई प्रे फॉर रोमोना भंडारी दैट यू ब्लेस हर, दैट यू ब्लेसर हाउस होल्ड मे योर हैंड बी अपन अनीता रानी फॉर योर ब्लैसिंग योर बी अपॉन हर प्रे फॉर कोमल मसी एंड योर हैंड बी अपॉन देम Lord would you bless Daisy VS that your hand be upon Daisy VS Lord <clears throat> I pray that you stretch forth your hand over Rina Khan your daughter Lord cover her under your blood Lord I pray may you grant her the desires of her heart Lord she's praying for her daughters Lord I can sense that I can tap into her spirit through the holy ghost So Lord I unite with her for the future and the destiny of her daughters in the name of jesus of nazareth. hallelujah lord i pray in the name of jesus for shabnam guria that your hand be upon shabnam guria lord i pray for prabhu Prabhadeep and prabhu's wife lord may your spirit move upon him lord may, may, may your hand lead him and guide him lord may he walk in your wisdom may he walk according to your word may he live according to your word lord god for only in your commandment there is blessing. When we walk in your commandment, when we walk in obedience to your decrees and statutes, we are bound to be blessed and the devil can do us no harm. Only in your word is our protection, Lord. Lord, we pray for Gita, your daughter. We cover Gita under the blood. Lord, she's a woman with a broken heart, Lord. You visit Gita, she's your daughter. Lord, even now, send your peace and joy to her heart lord, she works very hard. lord, bless my sister. and i pray lord for her husband, pralad. lord, i bind pralad in the name of jesus of nazareth, the demon that is in him. <clears throat> that bothers the family. i bind that demon in pralad in the name of jesus. i release your anointing over pralad. lord, that he will quit alcohol. that kudamantira the kudamant. jose kare. और खुदावन गीता के घर में तेरी आशीष हो मनीषा सिंगी को मनीषा सिंगी के हस्बैंड के ऊपर दया कर इनके घराने को अपने चरणों में लेके आ खुदावन पूरे ख़ानदान को बचा मैं तेरा लव इनके ऊपर छिड़कता हूँ खुदावन अमरजीत कौर पर मैं तेरा खून छिड़कता हूँ आई लॉर्ड आई प्रजेंट हर डॉटर एंड हर डॉटर्स डॉटर बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस वुड यू ब्लेस हर वुड यू ब्लेस हर ग्रैंड डॉटर्स वुड यू ब्लेस हर डॉटर लो जीजस लॉर्ड आई प्रे फॉर Uh, Mr. Harpal Singh Bajwa and Amandeep Kaur and Lord, all their family members, you open door for Mr. Bajwa to go abroad in the name of Jesus. I pray, Lord, for Tanuja I pray that your blessing will be upon her. Your blessing will be upon her husband. Your mighty hand will be upon their business, Lord. Lord, that you will that that you will give them increase, Lord. Great increase in the name of Jesus. Hallelujah. And Lord, bless Sarah, Sarah. May your hand be upon Sarah, Sarah. I plead your blood over Sarah, Sarah. And I bind her with the blessing of the covenant. And Lord, I pray for Minusud that your spirit will move upon her. Your spirit will move upon her husband. You will heal her husband, Lord, that in her home there will be your presence. There will be your rule. There will be your kingdom come in power, Lord. Hallelujah. Manjit Masiki, Mata bhi Tere Tera छिड़कते हैं मंजीत मसी की मदर के ऊपर जसवीर सिंह सुरिंदर को तेरे खून में छिपाते हैं आई स्पीक योर ब्लैसिंग लोड खुदावन मैं शबनम गुरिया के लिए तेरी बरकतों को खोलता हूँ तेरे अभिषेक को खोलता हूँ तेरे हजूर लॉर्ड आई ब्रिंग हर इन योर प्रेजेंस एंड आई प्रे फॉर अमित सैम फ्रॉम डेली आई प्रे फॉर इज़ फादर कन्हैया लाल एंड आई प्रे फॉर इज मदर आई प्रे फॉर अमित सैम फैमिली हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन Lord, I speak your hand over them, Lord, in the name of Jesus. In the holy name of Jesus. Hallelujah. Pray, Lord, that he will found a new house that he is looking for. You will help, Lord. health Lord, I bring Shamina Ashraf before your throne of grace. I sprinkle your blood over her and over her household. Hallelujah. Thank you. Lord, bless Robbie John. Bless him, Lord. He's your servant. Bless his father and mother. Bless his family, Lord. Lord, may you give increase in his ministry, and also, Lord, his brother who is in Italy. May your hand be upon him, upon his family, upon his loved ones, upon their ministry, upon the work that he does, Lord. That your mighty hand will be upon them, Lord. I pray in the name of Jesus. <clears throat> hmm. Thank you, Jesus. थैंक यू ब्रदर हितेश फॉर फॉर फुरास खुदावन तेरा धन्यवाद मैं अपने आप को भी तेरे लहू में छिपाता हूँ अपने घराने को तेरे लहू के साय के नीचे लाता हूँ तेरी आज्ञाओं में खुदावन हम जियें तेरी मजबा में जियें तेरी स्टैचूज इमरा में जियें तेरे कलाम तेरा कलाम हमारी रोशनी है तेरा कलाम हमारा जीवन है खुदावन तेरा कलाम हमारी बोन मैरो के अंदर डवेल करे लेट योर वर्ड डवेल इन माई हार्ट इन हार्ट्स रिचली

जॉन थॉमस को जॉन थॉमस के ख़ानदान को अपने हाथ में ले इसके कारोबार को ब्लेस कर खुदावन बन हालिया तेरा धन्यवाद खुदावन तेरे नाम की महमा हो यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन कल जो है बड़ा ख़ास दिन है कल फीस्ट ऑफ कैबर का लास्ट डे है तो कल हम फास्ट करेंगे और आप सब ज्वाइन कीजिएगा जो जो कर सकते हैं फास्टिंग में कल हम विशेष प्रार्थना करेंगे और हम मनन करेंगे फीस्ट ऑफ टेबोनाकल के ऊपर फीस्ट ऑफ टेबोनाकल जो इजराइली मनाते थे फीस्ट ऑफ टेबोनाकल जो अब हम मनाते हैं फीस्ट ऑफ टेबोनाकल जो मनाई जाएगी जब मसीह का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा हाल तो कल उपवास रखिएगा जो रख सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे वचन मनन करेंगे पूरा दिन और कल आप अपनी एक भेंट प्रभु के लिए ला सकते हैं अगर आपके दिल में प्रभु काम करे सो यू कैन ऑफर अन टू द लॉर्ड एन ऑफरिंग भेंट दे सकते हैं प्रभु के लिए प्रभु के काम के लिए प्रभु आपको ब्लेस करेंगे अगर आप करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा खाली लॉर्ड आई ऑल्सो प्रे फॉर लीना डेविड सैन एंड हर हस्बैंड एंड देर चिल्ड्रन लॉर्ड वुड यू ब्लेस डैन would you protect them and keep them under the hollow of your hand, lord? and lord jacob koker, i cover him under your blood, and his wife and his children under your blood. bless this brother, lord, and bless all that he does for your kingdom. hallelujah. thank you, jesus. amen. <laughs> hallelujah. हम जो ऑनलाइन बाइबल कॉलेज है उसे हम जल्दी शुरू करेंगे तो वीक में दो तीन चार डिपेंड करता है वो क्लासेस हम किया करेंगे हाफ़ एन आवर की क्लास होगी सिर्फ और बहुत ही सक्सेंट आपको वचन मिलेगा आप अपनी डायरीज़ लगाएँ जो जो ज्वाइन जो जो करना चाहते हैं मुझे मैसेज करें और बहुत एक छोटी सी उसकी फीस लेंगे हम और उसे हम प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है उसमें लगाएंगे और परमेश्वर का अद्भुत पैगाम आपको सीखने को मिलेगा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे सबको जय यीशु मसीह की